यहाँ पे हमें फ्रेंचाइजी मिलती है और हम यहाँ पे एज अ ओनर वर्क करते हैं, खुद के बॉस हम यहाँ पे खुद है, हमारा कोई बॉस नहीं है। तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कामयाब बनना है ना, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेसिक्स। बेसिक्स क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर पता है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आपको ये चीज भी पता होना बहुत जरूरी है कि किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर हम किसी बच्चे का भी एडमिशन कराते हैं किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो पहले वहां पे देखते हैं कि उस स्कूल का बैकग्राउंड क्या है, उस स्कूल के अंदर जो टीचर सर्विस दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, देखते हम नहीं देखते। FLP बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो, 3-4 दिन से मीटिंग अटेंड करने लग रहे हो, क्या फ्यूचर के अंदर इस बिजनेस का स्कोप है? क्या फ्यूचर के अंदर इस बिजनेस के अंदर टाइम लगाना सिक्योर है? वो मैं आपको आज बताऊंगा क्यों और कैसे हमें अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों का आपको जवाब मिल गया तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। बिकॉज पैसा तो यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इवन आप अपने खुद के सपने पूरे नहीं कर सकते हो, आने वाली जनरेशन के भी सपने पूरे कर सकते हो। टू डिजाइन योर रोड मैप, आप यहाँ पे एक रोड मैप लेके जाओगे, आप 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आपने एक्शन लेना है यहाँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और आपको मैं बताता हूँ कि किस इंडस्ट्री या किस कंपनी का आप पार्ट बनने जा रहे हो। बेस्ट कंपनी इन ईयर $1 trillion इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है। पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, ये $1 trillion इंडस्ट्री है फ्यूचर की, और इस इंडस्ट्री के बारे में APJ अब्दुल कलाम कह के गए थे कि 21वीं सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बिल गेट्स से पूछा गया कि आपसे हर चीज छीन ली जाए तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, तो बिल गेट्स ने भी इस इंडस्ट्री का नाम लिया था। इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और बिल गेट्स से पूछा गया कि आपसे हर चीज छीन ली जाए तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, तो बिल गेट्स ने भी इस इंडस्ट्री का नाम लिया था। इस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री, जो 21वीं सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब जो अब टाइम चलने लग रहा है ना, इस सदी के अंदर सबसे ज्यादा मिलीनियर या बिलीनियर प्रोड्यूस करेगी वो यही इंडस्ट्री करेगी। इस इंडस्ट्री का जो बेस्ट ब्रांड है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसके अंदर आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल बहुत है, बट उसके अंदर जो बेस्ट ब्रांड है आईफोन है। एक मोबाइल इंडस्ट्री में आईफोन भी है और माइक्रोमैक्स भी है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको आईफोन में और माइक्रोमैक्स में बिजनेस करने का मौका मिले तो आप किस फोन में करोगे, तो आप सभी का आंसर क्या मिलेगा, आईफोन में, बिकॉज वो एक बेस्ट ब्रांड है। सो इस तरीके से इस इंडस्ट्री का बेस्ट ब्रांड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसके अंदर आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो। ये इंडस्ट्री हमें दो चीज देती है, और आज के दिन वो हर घर में नीड है, हर इंसान को चाहिए एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ। एक के बिना दूसरी अधूरी है। एक बार देखो प्रेजेंट के अंदर बीमारियां बढ़ रही है या घट रही है, डे बाय डे बढ़ने लग रही है, और साथ साथ बेरोजगारियां भी बढ़ने लग रही है। आज भी बढ़ रही है और मैं गारंटी दे रहा हूँ फ्यूचर में भी बढ़ेगी, और ये इंडस्ट्री हमें दोनों चीज देती है। अगर जिसको हेल्थ की नीड है हम उसको एक अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर जिस जो बेरोजगार है जिसको वेल्थ की नीड है हम उसको एक बिजनेस रिकमेंड कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें दोनों चीज प्रोवाइड करती है। आज इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जैसे कि बताया था बेसिक्स बताने वाला हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करोगे मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। बिकॉज कोई भी बिजनेस गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, दो चीज पे चलता है, या एक अच्छी सर्विस पे या एक अच्छे प्रोडक्ट पे। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है तो समझ लो वो बिजनेस फ्रॉड है, स्कैम है। सो जो हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, बट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। प्रोडक्ट सेल नहीं करने आपको, बट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अब प्रोडक्ट की बात करें, सारे के सारे प्रोडक्ट अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट पेटेंट है। अब पेटेंट नहीं पता होगा काफी पर्सन को, मैं बता देता हूँ, पेटेंट मतलब इनकी कोई कॉपी तक नहीं कर सकता। नो फाइनेंशियल रिस्क, इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 लाख रुपए लगा के आप 1 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो, बट बाहर कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां बिना पैसा लगाए हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। हजारों में कमाने तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों में कमाने तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में, बट इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो बिना कोई पैसा लगाए। और इस बिजनेस के अंदर थर्ड चीज सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी मतलब जो हमारा बिजनेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस है। जैसे इस यहाँ पे एक इनकम होती है 1,00,000 रुपए और लेवल होता है मैनेजर लेवल। अगर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रहे हो, महीने के 1,00,000 रुपए आपके घर पे आएंगे, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया तो सेम बिजनेस सेम इनकम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी 3 जनरेशन तक ये प्लान चलेगा, 3 जनरेशन तक प्लान चलेगा। मतलब जो हमारा बिजनेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? अब फॉरएवर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री के बारे में बताया, ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में चलेगी। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट ब्रांड है, अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फॉरएवर के अंदर कामयाब बनना है, सबसे अच्छी बात, अगर आपको यहाँ पे करोड़पति बनना है, 10 लोगों को लखपति बनाओ, आप ऑटोमेटिक करोड़पति बन जाओगे। बिकॉज फॉरएवर के एक अच्छे लीडर से पूछा गया कि फॉरएवर के अंदर कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा जवाब दिया, आप 10 लोगों को लखपति बनाओ, ऑटोमेटिक आप करोड़पति बनोगे, ऑटोमेटिक आप करोड़पति बनोगे। तो यहाँ पे क्या है कि पैसा कमाने का मौका मिलता है, बट दुआ से पैसा कमाने का मौका मिलता है। सेकंड चीज, ये आपके लिए बेस्ट पर्सन प्लान है, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज बाहर जॉब के अंदर आप 40 साल में वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो फॉरएवर के अंदर सिर्फ 4 साल में कर सकते हो। सही सुना आपने, 40 साल में आप जॉब के अंदर वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो फॉरएवर लिविंग के अंदर सिर्फ 4 साल में अचीव कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और किसी भी टाइम आप इस बिजनेस को फॉरएवर को कर सकते हो। ये बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ये ऑनलाइन है। मॉर्निंग में मन करता है फॉरएवर करने का, मॉर्निंग में करो, नून में मन करता है नून में करो, इवनिंग में मन करता है इवनिंग में करो, और नाइट को मन करता है तो नाइट को करो। किसी भी टाइम आप इस कंसेप्ट को कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास फोन होना चाहिए, सिर्फ दो ही चीज। किसी दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ये बिजनेस हेल्थ और वेल्थ का है, जैसे कि मैंने बोला था आपको ये अच्छा अच्छी हेल्थ भी देगा और अच्छी वेल्थ भी देगा, साथ साथ में आपको खुशियां भी देगा। ये जब आप यहाँ पे मैनेजर बनोगे, सबसे बड़ी खुशी आपके लिए वही होगी, बिकॉज आप सेल्फ डिपेंड बन चुके होगे मैनेजर तक। इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तो लाइफ चेंज करोगे, पता नहीं अपने एक डिसीजन से कितने लोगों की लाइफ चेंज करोगे। आज से 2 साल पहले मिस्टर विक्की सर ने डिसीजन बनाया था अपनी लाइफ को चेंज करने का। 2 साल हुए हैं, अपनी टीम के अंदर 26 से 27 मैनेजर बना चुके हैं जो मंथली इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा कमाने लग रहे हैं। तो सर के एक डिसीजन से 26 लोग कामयाब हो चुके हैं, मैनेजर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, और सिर्फ 2 साल के अंदर। और लगभग 70 से 75% ऐसे हैं जो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, 25,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए महीने के कमाने लग रहे हैं। सोच के देखो सिर्फ एक डिसीजन के कारण कितने लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सारे के सारे आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप एफर्ट करोगे उतना आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई आपकी इनकम डिसाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं आपका बोस। अब क्या होता है जॉब के अंदर, हम मेहनत कितनी भी करें बट हमें एक फिक्स सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए, चाहे कितनी भी मेहनत करें हमें 30,000 रुपए मिलेंगे। बट यहाँ पे आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब क्यों हम यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें, क्यों? बिकॉज टाइम प्रीशियस है। आप बोले एक इंसान जो कामयाब शख्स है उनसे पूछा जाए पैसा इंपॉर्टेंट है या टाइम, तो कामयाब शख्स हमेशा बोलते हैं कि टाइम इंपॉर्टेंट है। और जो फेलियर होते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा किया नहीं, उनसे पूछे पैसा इंपॉर्टेंट है या टाइम, वो क्या बोलेगा? पैसा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, तो पैसे की इज्जत करो, बट पैसे से ज्यादा टाइम की इज्जत करो। बिकॉज पैसे से टाइम आप कभी भी नहीं खरीद सकते, बट टाइम से पैसा खरीद सकते हो। सो इस बिजनेस के अंदर टाइम हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज बाहर मार्केट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो हम फॉरएवर से कंपेयर कर सके। लाखों रुपए लगा के हजारों रुपए कमाने का मौका बाहर वाले रास्ते हैं बहुत है, बट बिना कोई पैसा लगाए लाखों रुपए कमाने के बाहर कोई भी ऑप्शन नहीं है। बट ये बिजनेस आपको ऑप्शन देता है कि बिना कोई पैसा लगाए, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हो, विच इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। कोई पैसा नहीं लगा तो रिस्क किस चीज का? पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में आपको उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी मिलता है। अगर बाहर एक बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस में सेठ जी है, 4-4, 5-5, 6-6 लाख महीने के कमा लेते हैं, बट उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता,
टाइम फ्रीडम नहीं होता, पैसा वो अच्छा कमा लेते हैं बट पैसे को एंजॉय करने की उनके पास टाइम नहीं होता, बट यहाँ पे आपको टाइम मिलता है बिकॉज ये बिजनेस ऑनलाइन है। अगर आप एक महीना काम भी नहीं कर पाए तो आपके अपलाइन ये काम संभाल लेंगे। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं ऑफलाइन काम करते थे, आज तो ऑनलाइन हो चुका बट उस टाइम पे ऑफलाइन काम करते थे, साथ साथ में मैं स्कूल भी जाता था। जिस टाइम पे मैं स्कूल होता था उस टाइम पे जो मेरा बिजनेस विक्की सर हैंडल करते थे, मनीष सर हैंडल करते थे, कितना अच्छा बिजनेस है। तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है। अब होगा कैसे, होगा कैसे सर, करना क्या है, कैसे करें, कैसे पैसा कमाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, पैसा मिलेगा, आपने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा इतना पैसा मिलेगा, बट कभी भी ध्यान मत रखना कि मेरे को पैसा कमाना है, सिर्फ फोकस रखना किस चीज पे, सीखने पे। अगर आज मैं महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ, 2,50,000 रुपए कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को नॉलेज है, उस अकॉर्डिंग में पैसे कमाने लग। अगर मेरे को 5,00,000 रुपए कमाने हैं तो मेरे को फोकस 5,00,000 रुपए पे नहीं रखना, मेरे को फोकस रखना है लर्निंग पे। अगर मेरी लर्निंग 5,00,000 रुपए के बराबर होगी तो ऑटोमेटिक 5,00,000 रुपए आएंगे। तो अपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है लर्निंग पे। अगर आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। आपने टाइम इन्वेस्ट करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड होने लग रही है। काफी पर्सन ये गलती करते हैं, काफी पर्सन एक बड़ी गलती करते हैं कि अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, लेट के सेशन अटेंड करने लग रहे हैं। मैं बता देता हूँ कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, कुछ भी बड़ा, बिकॉज आपको जो यहाँ पे ट्रेनिंग देने आते हैं वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है, वो खुद मल्टी मिलियनेयर है। अब कल विक्की सर ने ट्रेनिंग दी थी, मैं देखने लग रहा था काफी पर्सन ट्रिपलेट के सेशन अटेंड करने लग रहे थे। अरे जो पर्सन 5,00,000 रुपए कमाने लग रहा है वो आपके लिए टाइम निकालने लग रहा है, और वो आपको ये बता रहा है कि मैं 5,00,000 रुपए पे पहुंचा हूं, आप भी पहुंच सकते हो। अगर बाहर एक सक्सेसफुल टीचर है ना, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को भी बीट कर सकते हो, बट वो शख्स कल बोल रहा था कि जितना मैंने कमाया ना 2 साल में, आप मेरे को भी बीट कर सकते हो, और वो आपको सिखा रहा था कि आप मेरे को कैसे बीट कर सकते हो। तो अच्छे से आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी है। आज तक हम जो सोचते आए हैं आगे भी वही सोचेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। तो हमेशा दो चीज का ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, बिकॉज नेगेटिव लाइफ, नेगेटिव थिंकिंग आपको कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता, और पॉजिटिव थिंकिंग आपको कभी नेगेटिव लाइफ नहीं दे सकता। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना है और बड़ा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और हमेशा बड़ा सोचना है। नेगेटिव सोच के कुछ बड़ा नहीं होगा और पॉजिटिव नहीं होगा। ओके सो फिर फॉरएवर की कुछ फिलोसफी है, उस फिलोसफी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सुन के आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सबको इक्वल राइट्स है। ना आपका यहाँ पे कोई कलर पूछा गया, ना आपकी कोई कास्ट पूछी गई, ना आपकी यहाँ पे एज पूछी गई, ना आपकी हाइट पूछी गई, ना आपकी कोई एजुकेशन पूछी गई, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं पूछा जाता। जस्ट एक चीज बोली जाती है, इफ यू एवर ड्रीम मोस्ट वेलकम, आप आओ। अगर आपके सपने हैं, अगर आप सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, आप टाइम फ्रीडम चाहते हो, तो फॉरएवर के अंदर आओ, अदरवाइज मत आओ। छोटी सोच लेके कभी भी फॉरएवर को स्टार्ट मत करना, ये चीज बोली जाती है। सबको इक्वल राइट्स है, सबसे अच्छी बात। और आपको यहाँ पे हमेशा एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव। ज्यादा से ज्यादा पर्सन की आप यहाँ पे हेल्प करोगे तो आप ऑटोमेटिक ग्रो होगे, बिकॉज ये बिजनेस बिल्कुल फ्रेंडली बिजनेस है, बिल्कुल फ्रेंडली। मतलब है कि यहाँ पे एक 18 साल का लड़का है जो महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है, और यहाँ पे 88 साल के भी इंसान है जो 1,00,000 रुपए कमाने लग रहे हैं। बाहर सोच के देखो, अगर एक हमें लेक्चरर टीचर लग रहा है, क्या 88 साल का बूढ़ा लग सकता है टीचर? नहीं लग सकता, वहां पे एक एज की लिमिट होती है। बट यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, सिर्फ एज 18 प्लस होनी चाहिए। चाहे आपकी एज 100 साल है तो भी आप फॉरएवर में आओ, तो भी आप यहाँ पे मैनेजर बनो, लाख की इनकम आप भी कमा सकते हो। मिनिमम एक ऑर्डर के साथ इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी टाइप का कोई रिस्क नहीं है। ऑफिस के अंदर मतलब आपने कोई ऑफिस ओपन नहीं करना, कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग नहीं करनी, कोई मेंटेनेंस नहीं रखनी, किसी को सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं करना, हर चीज एफएलपी हैंडल करने लग रही है। आपको करना क्या है, एक बना बनाया बिजनेस मिलने लग रहा है, सिर्फ इस बिजनेस का पार्ट बनना है। सोच के देखो, और फिर भी हम यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ एक बना बनाया बिजनेस का पार्ट बनना है। मेजर फिलोसफी बताता हूँ। काफी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हम एज अ कस्टमर वहां पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्टोर पे गए, वहां पे हमने पैसे दिए, वहां से हमने आईफोन लिया, वहां पे हम क्या है कस्टमर, वो क्या बोलेगा पैसे दो सामान लो और जाओ। दूसरी बार में भी जाऊंगा तो वो सेम प्रोसेस करेंगे, पैसे लेंगे और फोन देंगे। तीसरी बार भी जाऊंगा सेम प्रोसेस, पैसे लेंगे और फोन देंगे।
बट यहाँ पे आपको ऐसा कस्टमर टाइटल नहीं मिलता, आपको यहाँ पे टाइटल मिलता नोवस कस्टमर। नोवस मतलब यूनिक, अलग हो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आपके पास एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे मेहनत करके आप कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो, हटके कर सकते हो। एरिया ऑफ इनकम, यहाँ पे हमें एक टाइप से इनकम नहीं मिलती, काफी टाइप से इनकम मिलती है। पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अनइंसेंटिव प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं कार प्लान, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेवल्स, काफी पर्सन का सपना होगा घूमने फिरने का, चेयरमैन बोनस और मच मोर। इस टाइप से हमें काफी टाइप की इनकम मिलती है। सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, जो मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स होते हैं और किस तरीके से लेवल के साथ साथ अपनी अर्निंग बढ़ती है। जो हमारा बिजनेस है वो सीसी पे चलता है। अब सीसी क्यों बनाई गई थी मैं आपको वो बताता हूँ। अपना जो बिजनेस 150 160 प्लस कंट्री में आज के दिन सक्सेसफुली चलने लग रहा है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होने के कारण कंपनी ने खुद की करेंसी बनाई सीसी, इसकी फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट। अब ये सीसी बनती कैसी है जी? ये सीसी बनती है जी प्रोडक्ट के पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, जिसपे पॉइंट है 102 पॉइंट। इस तरीके से जब आपके आईडी में 1000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं तो आपके आईडी पे 1 सीसी काउंट होती है, और जब आपके आईडी पे 2000 पॉइंट कलेक्ट होते हैं जब आपके आईडी पे 2 सीसी कलेक्ट होती है। सो आप यहाँ पे स्टार्टअप करोगे एज अ नोवस कस्टमर। जो अपना नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद आपकी यहाँ पे अर्निंग आने स्टार्ट हो जाती है। ये जो नोवस कस्टमर लेवल होता है यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हो, क्या? लर्निंग। बट इस लेवल के बाद लर्निंग प्लस अर्निंग करने का मौका मिलता है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है सुपरवाइजर लेवल, डिस्काउंट बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती है। असिस्टेंट मैनेजर पे लगभग इनकम 60,000 रुपए हो जाती है, और यहाँ का जो ड्रीम लेवल जिसको बोला जाता है वो होता है मैनेजर लेवल, जहाँ पे जो होता है सिर्फ 120 सीसी पे, और जो इनकम होती है 1 लाख प्लस। 99% मैनेजर इंडिया के 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लग रहे हैं, वो आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग है। जितना टाइम में आप मैनेजर निकालना चाहो उतने टाइम में निकाल सकते हो। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे एग्जांपल है, दो दो महीनों में भी मैनेजर बने हैं, दो दो महीनों में। आप इस बिजनेस को अच्छे से मेहनत करोगे, फुल टाइम कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीनों में इजीली मैनेजर बन सकते हो। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हो स्टडी के साथ साथ या करंट जॉब के साथ साथ, तो आपको यहाँ पे 1 साल भी लग सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, मेरे को एक भी ऐसा रास्ता बताओ जिस रास्ते पे चल के पार्ट टाइम में भी हम 1 साल के बाद 1 लाख रुपए कमा ले, है कोई ऑप्शन? चलो एक भी ऐसा रास्ता बताओ जहां हम फुल टाइम देके सिर्फ 5 से 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सके। बाहर कोई भी रास्ता नहीं है। एक बार अपने आप से क्वेश्चन करो, अगर फॉरएवर नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? रास्ता क्या है? आज के दिन तो पीएचडी होल्डर भी डी ग्रुप के फॉर्म भरने लग रहे हैं, बट फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलने लग रही। कोई पीएचडी छोटी डिग्री नहीं है, सारे के सारे लेवल परमानेंट्स है। मतलब आपको लाइफ में सिर्फ एक बार लेवल करना है, चाहे 2 सीसी है वो लाइफ में सिर्फ एक बार करना है, चाहे वो 25 सीसी है। आपको जीरो से रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी लेवल अप करना है तो किसी भी 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में हमें लेवल अप करने पड़ते हैं। अब मैं बताऊं 2 सीसी पे हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिलता है, सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे मिलता है, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर मिलता है, और मैनेजर लेवल सिर्फ और सिर्फ 120 सीसी पे मिलता है। और समझ लो एक बार आपने लाइफ में 120 सीसी हिट कर दी, घर के अंदर कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। जैसे जैसे आप अपना नेटवर्क बिल्डअप करते जाते हो, आपको एक और इनकम मिलती है, वॉल्यूम बोनस। वो आपको डीपली मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में बताया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं कार प्लान, जैसे कि मैंने आपको बोला था अन इंसेंटिव प्रोग्राम। ये 3 लेवल में होते हैं। फर्स्ट लेवल जो मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ, पिछले महीने मैंने क्वालिफाई किया था। इसके लिए करना क्या पड़ता है? फर्स्ट मंथ हमें 50 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, सेकेंड मंथ 100 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, और थर्ड मंथ 150 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। अगर आप तीनों चीजों में इतनी सीसी का बिजनेस करोगे तो आपका कार प्लान लेवल 1 एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें होता क्या है, हमें 26,000 अलग से मिलते हैं। मैनेजर की जो इनकम 1 लाख रुपए है उनसे अलग से मिलता है 26,000, वो भी 36 महीने तक, लगभग 9.5 लाख रुपए हो जाते हैं। 3 साल तक आपको 26,000 अलग से मिलेंगे। लेवल 2, ये हमारे ग्रेट जो मेरे अपलाइन है उन्होंने क्वालिफाई किया था पिछले महीने। उसके लिए करना क्या पड़ता है, मिस्टर विक्की सर नाम है,
फर्स्ट महीने 75 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, अगले महीने 150 सीसी और थर्ड मंथ 225 सीसी। अगर आप तीन मंथ के कॉम्बिनेशन में ये सीसी डन करते हो तो आपको 39,000 पैसे मिलेंगे 36 महीने तक। 39,000 रुपीज, सोच के देखो। आज 25,000 की नौकरी नहीं लगने लग रही, बट एक बार लेवल टू एक्टिवेट करें आपको 39,000 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे आपकी इनकम से अलग। कार प्लान लेवल आपको 3 एक्टिवेट करना है तो करना क्या पड़ेगा, ये भी पिछले महीने विक्की सर ने डन किया है अपनी टीम के अंदर, इकलौते विक्की सर है जिन्होंने ये डन किया है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट मंथ हमें 100 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा, सेकंड मंथ 200 सीसी का, थर्ड मंथ 300 सीसी का। अगर हम तीन मंथ के कॉम्बिनेशन में ये सीसी डन कर देते हैं तो हमें 52,000 मिलते हैं 36 महीने तक। विक्की सर की इनकम चाहे अभी 4,00,000 रुपए है, अगर लेवल 3 सर ने डन किया है तो 4,00,000 रुपए, 4,52,000 रुपए का सर का चेक आएगा, 52,000 अलग से मिलेंगे, वो भी 36 महीने तक, मतलब 3 साल तक। योर 5 रूल्स ऑफ सक्सेस और रेसिपी फॉर सक्सेस, सक्सेस की रेसिपी है, इसके बिना सक्सेस आपको मिल ही नहीं सकती। सिर्फ इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाना, क्रिकेटर क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये 5 रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। किसी भी फील्ड में आप चले जाना, ये 5 रूल्स काम आएंगे। पहला रूल अंडरस्टैंड, फर्स्ट रूल अंडरस्टैंड, आपको जब जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री के बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, यूज द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को यूज करो। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आप किसी को प्रॉपर कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते। मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट यूज किए और आज तक करता आ रहा हूँ। गूगल पे चेक करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन से हेल्थ के, तो भी आपको पता लगेगा कि फॉरएवर लिविंग के ही वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। सेकंड जो आपने काम करना है, रीड द कंपनी पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी है उस चीज को आपने रीड करना है। थर्ड चीज ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करना है। मैं अक्सर एक ट्रेनिंग में एक चीज बोलता हूँ कि ट्रेनिंग को खाली सुनो ना, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि, और देखो प्रैक्टिकल हुआ करो कि यार जो चीज ये लड़का बोलने लग रहा है क्या सच बोल रहा है। तो आपने ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करनी है, और फॉरएवर के अंदर कामयाब बनने का सिर्फ एक ही जरिया है, ट्रेनिंग अटेंड करके ही आप यहाँ पे कामयाब बन सकते हो। जब तक आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तब तक आप कामयाब यहाँ पे नहीं बनोगे। क्लियर है? ओके। बुक्स, एक बुक है मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ, काफी पर्सन फिर भी नहीं पढ़ते, रिच डैड पुअर डैड। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो उसकी ऑडियो सुन लो, यूट्यूब पे ऑडियो सुन लो, रिच डैड पुअर डैड ऑडियो वो सुन लो, वो भी बहुत काम आएगी आपके। ओके। सेकेंड चीज बिलीव, सेकेंड चीज बिलीव। अब बिलीव का होना क्यों जरूरी है, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, उसने टांगे मारी, उनको अपनी इंडस्ट्री पे कितने परसेंट विश्वास था, क्रिकेट इंडस्ट्री पे कितने परसेंट विश्वास था, क्या था उनको 1% भी शक, 100% विश्वास था, 100%, दैट्स व्हाई वो सक्सेसफुल हुए। अगर जिसको 1% भी शक हो जाता ना अपनी इंडस्ट्री पे, वो उस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बन ही नहीं सकता। पहली चीज, आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आपको इस इंडस्ट्री पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। काफी पर्सन को नहीं पता होगा, मेरे को नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग की आपके दिमाग में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, बट मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एक नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, स्टीव जो ने आईफोन 1977 में फाउंड किया था कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, क्या स्टीव जो वो फोन कैलिफोर्निया में बेचते, क्या कभी अमीर होते, कभी भी नहीं बनते। उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग की अपने आईफोन की ऑल ओवर अमेरिका में, पूरे अमेरिका में नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग की, ऊपर बैठने पूरे अमेरिका में फोन बिकना स्टार्ट हुआ। उनको और अमीर बनना था, ब्रांड वैल्यू और क्रिएट करनी थी, उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड में नेटवर्क क्रिएट किया और एक नेटवर्क के थ्रू अपने आईफोन की मार्केटिंग की, इसको बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग। क्या स्टीव जॉब आईफोन को कैलिफोर्निया में बेचते, क्या कभी अमीर होते, कभी भी अमीर नहीं होते।
बट अपने इंडिया वालों ने एक अच्छा सेंटेंस दे रखा है इन चीजों पे यार, ये तो चैन सिस्टम है। क्या स्टीव जॉब्स ने चैन बनाई? उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया जिससे सेल्स ज्यादा हो। इसको बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज तक अभी बताया नहीं गया, आज तक नहीं बताया गया। प्रोडक्ट, आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर यूज करोगे तो प्रोडक्ट पे अपने आप आपको विश्वास हो जाएगा। तीसरी चीज FLP, आपको FLP पे भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको FLP की प्रोफाइल नहीं पता तो एक चीज लिख लेना विकिपीडिया पे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी कि फॉरएवर की हिस्ट्री क्या है। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, 13 मई 1978 को ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। एक अमेरिकन बिजनेसमैन मिस्टर रेक्स मोन सर ने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था। क्या सोच के किया था कि मैं तो अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, बट काफी पर्सन ऐसे जो गरीब घर में पैदा होते हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अमीर बन सके, और मैं उनको एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करूंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा कि गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन सके। बिकॉज गरीब घर में हम पैदा होते हैं तो हमारी गलती नहीं है, अगर हम गरीब घर में मरते हैं तो हमारी गलती है। FLP 2000 में आई थी इंडिया के अंदर, 4000 से ज्यादा मिलीनियर बना चुकी है, लाखों लोगों को करोड़पति बना चुकी है, और करोड़ों लोगों को लखपति बनाती आ रही है, बना भी चुकी है और बनाने भी लग रही है, और फ्यूचर के अंदर भी बनाएगी। फोर्थ चीज yourself, आपको अपने आप पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। सर इंडस्ट्री बेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ट, कंपनी बेस्ट, ब्रांड भी बेस्ट सर, बट मेरे को अपने आप पे विश्वास नहीं है। यार अगर दो हाथ मेरे हैं, दो हाथ आपके हैं, एक फेस मेरा है एक फेस आपका है, अगर एक गांव से उठ के, एक लो मिडिल क्लास फैमिली से उठ के मैं यहाँ पे कामयाब बन सकता हूँ, सक्सेसफुल बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी बन सकते हैं। अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे बिलीव विश्वास रखें, आप किसी से कम नहीं हो, यू आर यूनिक। बस आज तक आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आपकी लाइफ में एक मेंटोर नहीं आया जो आपको सिखा सके, जो आपको बता सके कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप रियलिटी में कुछ बड़ा कर सकते हो, आप बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। थर्ड चीज कमिटमेंट, टाइम की कमिटमेंट होनी बहुत जरूरी है। मैंने बोला था 8:40 पे मीटिंग दूंगा तो 8:40 पे मैंने स्टार्ट की, टाइम का पक्का था। स्पॉन्सरिंग की कमिटमेंट करनी है, ग्रुप की कमिटमेंट करनी है, फैमिली की कमिटमेंट करनी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें, लर्निंग एटीट्यूड की कमिटमेंट करनी है। आज अपने आप से कमिटमेंट करो, अपने अपलायंस से कमिटमेंट करो कि सर दिन में 2 घंटे तो मैं लर्निंग करूंगा ही करूंगा, 2 घंटे एक दिन में मैं कामयाब लोगों को सुनूंगा ही सुनूंगा। बिकॉज आज तक हम इसलिए कामयाब नहीं हुए बिकॉज हमारे जो नियर डियर है वो वहां पे नाकामयाब ज्यादा है। अगर उनकी सुनेंगे तो नाकामयाब रहेंगे, अगर कामयाब लोगों की सुनोगे तो एक दिन में कामयाब नहीं बनोगे बट एक दिन जरूर कामयाब बनोगे। फोर्थ चीज एक्शन, फिर आपने करना क्या है, कमिटमेंट के बाद आता है जी एक्शन। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, आपने एक मैसिव एक्शन प्लान बनाना है कि जो मैंने कमिटमेंट की उस कमिटमेंट तक मैं जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकता हूं। और फॉरएवर के अंदर आपने कमिटमेंट की कि मैंने को मैनेजर बनना है, सीनियर सोरिंग सफायर डायमंड मैनेजर बनना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा रिटेलिंग पे, लोगों की हेल्थ अच्छी करने पे। सिर्फ 2% फोकस, 98% जो आपने फोकस रखना है वो रखना है स्पॉन्सरिंग पे। जितनी ज्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस शेयर करोगे उतना आपका बेनिफिट है, जितने ज्यादा लोगों को टीच करोगे, जितने ज्यादा लोगों को सिखाओगे उतना आपका बेनिफिट है, ठीक है। और लास्ट में जो आता है एनालाइज रिजल्ट, अगर आप एक्शन ले रहे हो, आपने मैसिव एक्शन प्लान बनाया, आपने रिटेलिंग स्पॉन्सरिंग हर चीज पे फोकस रखा, 6 महीने का टारगेट था, अगर आपका वो अचीव नहीं हो पाया तो डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर फेवर में रिजल्ट आ रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा तो भी अच्छी बात है। उसको एनालाइज करो कि जो मैंने टारगेट बनाया था उस टारगेट तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, किस कहां कमी रही, मेरे में कमी थी, किस चीज में कमी थी, वो अपने आप से क्वेश्चन करो और उसको बेटर करने की कोशिश करो। और एक चीज बोली जाती है बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर ये एक ऐसी चीज है जी, अंदर अगर आपके अंदर ये चीज आ गई तो आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो 5 साल के अंदर, आपके अंदर ये चीज आ गई। दशरथ मांझी, दशरथ मांझी एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर ये चीज आई थी,
और 22 साल के अंदर सिर्फ छेनी और हथौड़े के साथ 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया था, सिर्फ इसके कारण, एक बर्निंग डिजायर के कारण। इसके अंदर दो चीज आती है, नीड और वांट। वांट वाला नहीं चाहिए हमें, वांट होता है मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हमें चाहिए नीड, मतलब चाहिए ही चाहिए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं रुकेंगे, ये होता है बर्निंग डिजायर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। सो आपने नीड बनानी है मैनेजर लेवल की, मैनेजर जब तक 6 महीनों में मैं डन नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और आपने टारगेट बनाया और वो टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक चैन से ना बैठो। फुल मेहनत करो, कंसिस्टेंट मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना बिजनेस शेयर करो। काफी पर्सन की जिंदगी इस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से। और मैं नहीं चाहता आपकी जिंदगी इस तरीके से निकले। ओके, अगर आपने ये 5 रूल फॉलो किए, अगर आपने ये 5 रूल फॉलो किए तो मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैंने इन 5 रूल्स को